नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS के DLED की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग हर जगह सुन रहे हैं कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का जमाना है और हर क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने अपना कब्जा जमा रखा है। इसके बिना आज हम आम जनजीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। और हमारे पास इस चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी जी, जो कि महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, हमारे आज का चर्चा का विषय है सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संप्रत्यय एवं प्रकार। जी जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि DLED के इस कार्यक्रम में हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को क्यों शामिल करें। हाँ हाँ, सबसे पहला प्रश्न जो उठता है डॉक्टर गिरीश, वो ये उठता है कि एक शिक्षक के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर वे क्या कारण है, क्यों एक शिक्षक ये जाने कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, ये एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है जानना। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में जीवन के हर एक पक्ष में समाविष्ट हो चुका है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है। जी, आज हम घर बैठे देश विदेश के समाचार को जान लेते हैं। जी, सात समुंदर पार बैठे अपने नातेदारों रिश्तेदारों से बातचीत कर लेते हैं। सोशल मीडिया से कोई भी व्यक्ति आज अछूता नहीं है। अतः मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक की अगर बात की जाए तो शिक्षकों के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षकों पर भावी पीढ़ी को तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है। जी बिल्कुल, उसे ऐसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना होता है जो कि वैश्विक रूप में सक्षम हो। अगर शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तो वह एक ओर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है जी, और दूसरी ओर विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी भी प्रदान कर सकता है, ताकि भावी पीढ़ी सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित होकर समाज, राष्ट्र एवं विश्व के विकास में अपना अहम योगदान दे सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर DLED के पाठ्यक्रम में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर गिरीश आपने कि चूँकि शिक्षक पे समाज के निर्माण का दायित्व होता है, शिक्षक पे विद्यार्थी के निर्माण का दायित्व होता है, इसलिए शिक्षक को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की जानकारी वर्तमान समय में होनी चाहिए, तभी वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से पूर्ण कर सकता है और प्रभावी रूप से अपनी बात को बच्चों तक संप्रेषित कर सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गिरीश, हम जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का संप्रत्यय क्या है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी में शामिल हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अखिलेश जी। मैं भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसका आशय क्या है, हम इससे समझते क्या हैं। तो जैसे ही हम इस शब्द को पढ़ते हैं या सुनते हैं, यानी जैसे ही हमारे सामने सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी शब्द प्रस्तुत होता है, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये तीन भिन्न भिन्न पद, यानी कि सूचना, संप्रेषण और प्रौद्योगिकी का समूह है जी। तो जब हमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अर्थ को समझना होगा तो हमें इन तीन भिन्न भिन्न पदों के अर्थ को भी समझना होगा जी। तभी हम उसके अर्थ को बेहतर तरीके से जान पाएंगे जी। तो आइए शुरू करते हैं सूचना से। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, या अगर सामान्य भाषा में देखा जाए, तो सूचना शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सूच धातु से हुई है जी। जिसका अर्थ है सूचित करना, कहना, समाचार या कही गई कोई बात।
आंग्ल भाषा में इसके लिए इन्फॉर्मेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है जी, और इन्फॉर्मेशन शब्द की व्युत्पत्ति फोरम या फॉर्मेशिया से मानी जाती है जी, बिल्कुल। फोरम और फॉर्मेशिया ये दोनों शब्द वस्तुओं को आकार व स्वरूप प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं जी। हॉफमैन ने सूचना को परिभाषित करते हुए कहा कि सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा कृतियों का संलग्न होती है, संलग्न यानी कि समूह होती समूह होता है। जे बीकर ने इसको परिभाषित किया और कहा कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं जी। अब अगर इन तमाम परिभाषाओं और शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सूचना किसी विषय से संबंधित तथ्यों, वक्तव्यों अथवा कृतियों का समूह है जी। विषय से यहाँ हमारा आशय सिर्फ औपचारिक शिक्षा के विभिन्न विषयों जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित आदि से नहीं है। विषय यहाँ एक व्यापक संप्रत्यय है जी, और इस व्यापक संप्रत्यय में वे सारे उद्दीपन शामिल हैं जिससे कि एक मनुष्य जीवन भर घिरा रहता है। अतः जिन उद्दीपनों से मनुष्य जीवन भर घिरा रहता है उससे संबंधित तथ्यों, वक्तव्यों अथवा कृतियों के समूह को सूचना कहा जाता है जी। अब दूसरे शब्द संप्रेषण की बातचीत की जाए तो संप्रेषण को सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जी, जी। क्योंकि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति प्रेषण से हुई है हाँ। और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, भेजना या आदान प्रदान, आदान प्रदान हाँ। करना। और प्रेषण शब्द के पहले सम उपसर्ग लगने से ये संप्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ, यानी कि समुचित प्रकार से भेजना या आदान प्रदान करना। तो इस अर्थ में संप्रेषण को सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता जी, है। तीसरा और अंतिम पद प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी से हमारा आशय उन समस्त साधनों के संदर्भ में है जो कि मनुष्य के किसी भी प्रकार की क्रिया को आसान बनाने वाले या आसान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जी, जी। तो इस प्रकार से सूचना, संप्रेषण और प्रौद्योगिकी के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं जी। अब इन तीनों पदों को अगर एक साथ समेकित करके समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सूचना, संप्रेषण, प्रौद्योगिकी सूचनाओं जो कि प्रायः किसी विषय से संबंधित वक्तव्य, तथ्य या चित्र होते हैं के सहज भंडारण, प्रस्तुतिकरण तथा प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली प्रौद्योगिकी का नाम है जी। तो सूचना, संप्रेषण, प्रौद्योगिकी की ये संकल्पना हमारे सामने है। बहुत अच्छा बताया आपने कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या है। आपने तीनों कंपोनेंट्स पे अलग अलग बताया कि सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। इस संदर्भ में मैं और भी थोड़ी बात करना चाहूँगा जी, जी बिल्कुल। क्योंकि UNDP और यूनेस्को ने भी सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की परिभाषाएं दी हैं। UNDP ने वर्ष 2000 में और यूनेस्को ने वर्ष 2002 में सूचना, संप्रेषण प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया है। उस परिभाषा के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सूचनाओं के निर्माण, संगठन, भंडारण, प्रसारण तथा संप्रेषण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विविध उपकरणों का समूह है, जैसे रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर गिरीश। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के आवश्यक तत्व तो कौन कौन से हैं। तत्व की अगर बात की जाए तो परिभाषाओं पर ध्यान देने से वो तत्व तो उभर कर सामने आते हैं जी। जो विभिन्न परिभाषाएं मैंने अभी बताई उन परिभाषाओं का अगर सूक्ष्मतम विश्लेषण किया जाए जी। तो सूचना, संप्रेषण, प्रौद्योगिकी के तीन मुख्य तत्व तो हमारे सामने आते हैं।
पहला तत्व है सूचना एवं संप्रेषण संबंधी संरचना। अच्छा, अगर संरचना नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। जी। संरचना का होना बहुत आवश्यक है। तो सूचना एवं संप्रेषण संबंधी संरचना के अंतर्गत हम दूर संचार प्रणाली, नेटवर्क, नेटवर्क में तमाम तरह के नेटवर्क जैसे कि मोबाइल नेटवर्क, प्रसारण नेटवर्क या डाक संबंधी नेटवर्क आदि सब शामिल होते हैं। जी। और इन नेटवर्क का उपयोग करने वाली सेवाएं, कौन सी सेवा है जो इन नेटवर्क का उपयोग करती है, जैसे इंटरनेट, ईमेल, रेडियो, दूरदर्शन आदि, ये सब उपरोक्त नेटवर्क का उपयोग करने वाली सेवाएं हैं। तो ये सारी चीजें इस संरचना में शामिल होती हैं। अब दूसरे तत्व की बारी आती है। दूसरा तत्व है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से आशय उस साधन से होता है या उस प्रौद्योगिकी से है जो सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण, संपादन एवं प्रस्तुत किए जाने वाले हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से है। ऐसा विश्व बैंक ने वर्ष 2002 में बताया। तीसरा और आखिरी तत्व ये संप्रेषण प्रौद्योगिकी का है जी, क्योंकि शब्द में ही दोनों छुपे हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो तीसरा तत्व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का है। अब जब संप्रेषण के अर्थ को हमने देखा तो हमने ये जाना कि ये सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, और प्रौद्योगिकी वह साधन जो इस आदान प्रदान को सरल बनाए, आसान बनाए। जी जी। तो हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी का वह स्वरूप शामिल होता है जी, जो सूचनाओं के प्रसारण को सरल बनाता है तथा दूरी, समय एवं परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अंतर क्रिया को बढ़ावा देता है। अर्थात जैसे वास्तविक कक्षा कक्ष में अंतर क्रिया होती है जी, उस तरह के अंतर क्रिया के वातावरण का ये निर्माण करता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर गिरीश की सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के तत्व कौन कौन से हैं। हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार तीनों प्रौद्योगिकी के बारे में फिर से बता दें संक्षेप में। हाँ, पहला तत्व जो है जी वो सूचना संप्रेषण संबंधी संरचना। सूचना एवं संप्रेषण संबंधी संरचना, क्योंकि बिना संरचना के तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। आपका तात्पर्य इससे रिलेटेड सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। ओके ओके। दूसरा तत्व सूचना प्रौद्योगिकी, जिसका सामान्य शब्द जिसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जी जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी की तुलना में ज़्यादा प्रचलित शब्द है। जी जी। और तीसरा या आखिरी तत्व कह लीजिए वो है संप्रेषण प्रौद्योगिकी, जो सामान्यतः कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तो अब अगर इन तीनों तत्वों के आधार पर हमको सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपयुक्त संरचना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विविध प्रकार के संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साथ समेकन है। समेकन यानी कि इंटीग्रेशन, उसको मिलाना, सम्मिलित करना। हाँ, हाँ, ये तो उसकी ये प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छी परिभाषा आपने बताई तीनों कंपोनेंट्स को मिलाते हुए। तो क्या सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी जो है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है? आजकल बहुत सारे नाम प्रचलित हैं और अक्सर दर्शकों को एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन सूचना प्रौद्योगिकी है का भाग है, कौन आईसीटी का भाग है, कौन आईसीटी का भाग नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि क्या इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि सामान्यतः हम जिस नाम से चीज़ों को जानते हैं वही एक नाम नहीं होता है, और अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हमें भ्रम का हो जाता है या हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पार्टिकुलर एक कंपोनेंट है वो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के वर्ग में आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे में क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए कृपया बताएं कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी के लिए
तकनीकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता जी, है जी, बिल्कुल। तो इस अर्थ में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को सूचना संप्रेषण तकनीकी जी या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भी कहते हैं जी। इसके साथ साथ हम लोगों ने सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है जी। कई स्थानों पर यह सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है जी, जी। तो ये इसके कुछ विभिन्न नाम हैं। ये जो आजकल वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म बड़ा लोकप्रिय हो रहा है ICT, वो ICT शायद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सूचना एवं संचार तकनीक या सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का ही संक्षिप्त नाम जो है जी ICT ज़्यादा लोकप्रिय आजकल हो रहा है। ये सारे सिनोनिमस हैं, समानार्थी हैं जी, जी। आगे जानना चाहेंगे सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के इस पाठ में कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत सारे प्रकार होंगे सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के भी, क्योंकि इतने सारे टाइप के आजकल डिवाइसेज आ गए हैं सूचना एवं संप्रेषण के कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे कई प्रकार होंगे। इसके और कितने प्रकार हैं ये, अगर इस पर अगर थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा प्रकाश डालें आप। प्रकार की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई सर्वमान्य वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है अभी तक जी। कुछ लोग जो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरण हैं जैसे रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन्हीं को उसके विविध प्रकार मान लेते हैं जी। एक और भी परंपरा चली आ रही है सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण को लेकर, जिसमें अध्ययन की सुविधा के लिए जो उपकरण हम प्रयुक्त करते हैं जी, उसके स्वरूप के आधार पर तीन वर्गों में इसे विभाजित कर दिया गया है जी। अब ये तीन वर्ग कौन कौन से हैं इस बात पे हम चर्चा करेंगे। पहला वर्ग होता है सूचना संप्रेषण की श्रव्य प्रौद्योगिकी। अच्छा, श्रव्य शब्द बहुत सामान्य शब्द है और लगभग सब लोग इससे वाकिफ हैं, सब लोग इसको जानते हैं, जिसका अर्थ है सिर्फ सुनने योग्य या जो सिर्फ सुना जा सके। तो वैसे प्रौद्योगिकी जिसे हम सिर्फ सुनने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं या जिसे सिर्फ सुन सकते हैं, वो सूचना संप्रेषण की सभ्य प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन आदि, ये सब श्रव्य उपकरण है क्योंकि इसमें सुनने के सिवा और कोई काम नहीं किया जा सकता। लिंग्वाफोन क्या होता है? लिंग्वाफोन एक ऐसा उपकरण है जो लैंग्वेज लैब में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, और ये कंप्यूटर से संचालित होता है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हम भाषा के सही उच्चारण को सुनाते हैं और सुनने के बाद विद्यार्थी उसकी नकल करता है ताकि वो सही उच्चारण सीख सके, सीख सके। तो ये सामान्यतः भाषा प्रयोगशाला या लैंग्वेज लैब का उपकरण होता है। अब दूसरा वर्ग हुआ सूचना संप्रेषण की दृश्य प्रौद्योगिकी का जी। श्रव्य की ही बात ही दृश्य भी बहुत स्पष्ट शब्द है जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दृश्य का अर्थ जिसे हम देख सके या देखने योग्य जी, अर्थात वो प्रौद्योगिकी या सूचना संप्रेषण की वह प्रौद्योगिकी जिससे सिर्फ देखा जा सके जी, जैसे प्रोजेक्टर जी, फिल्म स्ट्रिप्स या फिल्म पट्टी जिसको हम कहते हैं जी, इन सब के माध्यम से हम सिर्फ देखते हैं जी। प्रोजेक्टर किसी अन्य उपकरण के साथ जुड़कर जी और अलग स्क्रीन पर उस उपकरण के तथ्यों को प्रोजेक्ट करता है दिखाता है थोड़ा परिवर्धित आकार में, थोड़ा बड़े आकार में, ताकि दूर से भी लोग और जब समूह होता है हाँ, तो समूह के सारे लोग उसको एक साथ देख सके। फिल्म स्ट्रिप पुराने जमाने की बात हो गई, अब इसका प्रयोग लगभग बंद हो चुका है। अब हम बात करते हैं सूचना संप्रेषण की दृश्य शब्द प्रौद्योगिकी की। दृश्य श्रव्य अर्थात जिसको सुन भी सके और देख भी सके, मतलब दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री का एकीकृत रूप जो हमारे दो सेंसेज को इन्वॉल्व करता है विजुअल को भी और ऑडिटरी को भी, तो ये दोनों का एकीकृत रूप है। तो वैसे तमाम प्रौद्योगिकी या सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के वो सारे उपकरण जिनसे हम
देखने और सुनने दोनों का काम एक साथ कर सकें जी, वो दृश्य श्रव्य प्रौद्योगिकी कहलाती है जी। अब इसमें दूरदर्शन जी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सिनेमा आदि को रखा जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी उपकरण शामिल हैं जो दृश्य प्रौद्योगिकी के भी अंतर्गत आते हैं जी। जैसे कंप्यूटर को ही ले लीजिए, कंप्यूटर पर कुछ ऐसे भी सामग्रियां होती हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं जी। उस स्थिति में यह दृश्य सामग्री का काम करता है बिल्कुल। और कुछ ऐसे सामग्री भी उपलब्ध होती है कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर जिसे सिर्फ सुना जा सकता है जी। उस स्थिति में ये श्रव्य सामग्री का काम करते हैं और अक्सर ऐसी सामग्रियां हमें मिलती हैं जो देखा और सुना दोनों जा सके, तो उस स्थिति में ये दृश्य श्रव्य सामग्री का काम करती है। मोबाइल फोन की भी यही स्थिति है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा एकदम सेपरेशन है, ऐसा विभाजन है कि अमुक प्रौद्योगिकी दृश्य है, अमुक श्रव्य है और अमुक दृश्य श्रव्य है जी। जो प्रौद्योगिकी एक परिस्थिति में दृश्य हो सकती है वो दूसरे परिस्थिति में श्रव्य भी हो सकती है और अन्य परिस्थिति में दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का है कि ये उस परिस्थिति पे निर्भर करता है जिस प्रकार हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उसके श्रवण भाग को ग्रहण कर रहे हैं तो वो श्रव्य होगा जी। अगर सिर्फ उसके हम दृश्य भाग को ग्रहण कर रहे हैं तो वो दृश्य होगा, और अगर हम दोनों एक साथ ग्रहण कर रहे हैं श्रवण और तो दृश्य और श्रव्य दोनों की श्रेणी में आ जाएगा जी। मतलब उसके किस भाग का हम उपयोग उस समय कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है, बाकी कोई ऐसी डिमार्केशन लाइन नहीं है। कोई डिमार्केशन लाइन या हम लोग कह लें कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो स्पष्ट विभाजन रेखा है, उस तरह की कोई विभाजन रेखा जैसी चीज यहाँ पर नहीं है जी। जी, तो इस प्रकार से आज का जो हम लोग का चर्चा का विषय है सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, उस संदर्भ में हम लोगों ने जो आज चर्चा की उसके प्रमुख तथ्य सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं परिभाषा जी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के तत्व जी, तथा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रकार, इन विषयों पर हमने आज चर्चा की। जैसा कि आज हमने देखा कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी तीन शब्दों से मिलकर बना है, सूचना संप्रेषण और प्रौद्योगिकी। उसके अलावा हमने आज जाना कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रयोग से वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। और साथ ही हमने ये जाना कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रकार कौन कौन से हैं, जिनमें श्रव्य सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी, दृश्य सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी और दृश्य श्रव्य सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनके इस बहुमूल्य समय के लिए और हमें जो उन्होंने ये जानकारी प्रदान की उसके लिए। गिरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोग